स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है चैप्टर नंबर 4 लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो देखिए स्टूडेंट लिक्विडेशन इससे जो प्रीवियस मैंने वीडियो दी हैं वो चैप्टर नंबर 5 पे दी हैं आपको स्टूडेंट्स, जो कि हमारा चैप्टर था अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अब हम चैप्टर 4 के बीच में स्किप हो गया चैप्टर 1, 2, 3 और अब ये 4 हो जाएगा और 5th मैंने अभी 5th भी करा दिया है प्रीवियस। तो अब के पाँचों के पाँचों चैप्टर अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पर जो कि 4th सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या है भाई, देखो लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज अ लीगल टर्म एंड रेफर टू द प्रोसीजर थ्रू विच द अफेयर ऑफ द कंपनी आर वाउंड अप बाय लॉ। जो लिक्विडेशन है और वाइंडिंग अप है मतलब बंद होना कंपनी का, इज अ लीगल टर्म, एक लीगल टर्म है एंड रेफर टू द प्रोसीजर थ्रू विच द अफेयर ऑफ द कंपनी आर वाउंड अप बाय लॉ। यानी ये एक उस प्रोसीजर को रेफर करती है जिसमें विच द अफेयर ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर कंपनी के सारे अफेयर्स काम हैं वो बंद हो जाते हैं लॉ के द्वारा। ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हैज़ बीन डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013 एज द प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ इज एंडेड एंड इट्स प्रॉपर्टीज एडमिनिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द मेंबर्स। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है द प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ इज एंडेड, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज एडमिनिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द मेंबर। और फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, मीन्स कितनी प्रॉपर्टी बची है, फिर उसको क्रेडिटर्स को और मेंबर्स को उसका बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड अ लिक्विडेटर। तो यानी कि जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन करता है, यानी जब कंपनी वाउंड अप हो जाती है उसके बाद जो एसेट बचती है उसकी कैलकुलेशन जो करता है ना मनी टर्म्स में, उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। यानी उस एडमिनिस्ट्रेटर को जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है रिमेनिंग एसेट्स की, उस पर्सन को लिक्विडेटर बोलते हैं। लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड एंड ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंपनी। उसको अपॉइंट कर लेते हैं, जब मान लो सपोज करो हमें अपनी कंपनी की वाइंड अप करनी है तो हम एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे और वो क्या करेगा, सारी कंपनी से रिलेटेड सारे एसेट्स को कलेक्ट करेगा, जो डेट्स हैं वो पे करेगा, एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूट एनी सरप्लस इफ लेफ्ट, अगर कोई फिर सरप्लस बचता है उसके अंदर भाई ये सब कुछ देने के बाद, तो फिर वो मेंबर्स को उनके राइट्स के अकॉर्डिंग बांट देगा। ठीक है, अ कंपनी कैन नॉट डाई इन नेचुरल डेथ एज इट इज सर्कुलेशन ऑफ लॉ। देखो कंपनी कभी भी नेचुरल, कंपनी की नेचुरल डेथ नहीं होती, उसके ऊपर लॉ लगा होता है, इसलिए लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो वर्क नहीं करती तो वो वाइंड अप हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है उसकी। थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ लिक्विडेशन द कंपनी कम्स टू एन एंड। कंपनी को ऐसे ही हम बंद नहीं कर सकते, लिक्विडेशन करना जरूरी है और लिक्विडेशन की प्रोसेस के द्वारा ही कंपनी को एंड किया जाएगा। ऑन लिक्विडेशन द नेम ऑफ द कंपनी इज स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर्स ऑफ द कंपनी मेंटेन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एंड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर वाउंड अप। लिक्विडेशन के टाइम पे जो कंपनी की के रजिस्टर में से कंपनी का जो नाम है वो हटा दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी में से, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी मेंटेन बनाए रखता है जो रजिस्टर, और द अफेयर ऑफ द कंपनी आर वाउंड अप, जो कंपनी का जो सारा काम है वो ख़त्म हो जाता है, जो काम जिस अफेयर्स में लगी होती कंपनी वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए साइलेंट फीचर्स ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के फीचर्स मतलब कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो देखिए द फॉलोइंग आर द सम साइलेंट फीचर्स ऑफ द लिक्विडेशन आर। फर्स्ट, एनी कंपनी व्हेन फाउंड नेसेसरी कैन बी लिक्विडेटेड। कोई भी ऐसी कंपनी जब हम ये सोचा जाता है कि अब ये जरूरी है इसको लिक्विडेट करवाना, उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली इनसॉल्वेंट कंपनीज शुड बी लिक्विडेट। ये जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी दिवालिया हो गई, इनसॉल्वेंट हो गई तभी उसका लिक्विडेशन होगा। समटाइम इवन सॉल्वेंट कंपनीज आर लिक्विडेटेड। कभी बार ऐसा भी होता है कि सॉल्वेंट कंपनी को भी लिक्विडेट कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इनसॉल्वेंसी ऑफ ट्रेडर और ऑफ अ फर्म। लिक्विडेशन जो है कंपनी का शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इनसॉल्वेंसी ऑफ अ ट्रेडर। जो
वो जो लिक्विडेशन है कंपनी का वो अलग है किस चीज़ से, ट्रेडर की इंसॉल्वेंसी से और ऑफ अ फर्म, या तो फर्म की इंसॉल्वेंसी से या फिर ट्रेडर की इंसॉल्वेंसी। अगर ट्रेडर दिवालिया हो जाता है, फर्म दिवालिया हो जाती है तो लिक्विडेशन होता है, ऐसा नहीं है। डिस्टिंग्विश दोनों अलग अलग हैं चीज़। इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ट्रेडर और अ फर्म इज एंटाइटल्ड टू स्टार्ट द बिजनेस अबव। देखिए अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उस टाइम पर ट्रेडर या फर्म ना स्टार्ट कर सकती है बिजनेस। They are not forced to discharge the unpaid balances of the past business out of the earning of the fresh business. देखो अगर कोई फर्म या फिर कोई ट्रेडर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो नई कोई भी बिजनेस चला सकता है, और ऐसा नहीं है कि उसको कोई ये बोल सके कि तू अपने नए बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट वगैरह आ रहा है उससे पुराने बिजनेस के जो भी है वो सारे जो भी डेट वगैरह थे वो भर, ऐसा नहीं बोलेगा उसको। बट इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ए कंपनी इज क्लोज डाउन फॉर एवर। लेकिन लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी ऑल टाइम के लिए फॉर एवर के लिए क्लोज हो जाएगी, जबकि इंसॉल्वेंसी के टाइम पे ऐसा नहीं होता, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी मे बी ओनली ऑफ द काजेज ऑफ इट्स लिक्विडेशन। जो इंसॉल्वेंसी है कंपनी की वो सिर्फ एक लिक्विडेशन का एक काज हो जाती है, कारण बन जाती है। ठीक है आगे देखिए, व्हेन लिक्विडेशन टेक प्लेस, कब होता है लिक्विडेशन, when liquidation take place assets of the company are realized, capital is collected and out of the proceeds claims of the creditors are settled. If any surplus is left it is returned to the shareholder of the company according to their rights. जब liquidation होता है सारी assets को ले लिया जाता है, assets को realize किया जाता है, realization करने से जो भी पैसा आता है उस जो capital collect होती है उसको जो भी creditors का claim है वो उसको fulfill किया जाता है, और अगर last में कोई surplus बचता है तो फिर शेयर होल्डर को उनके राइट्स के अकॉर्डिंग वो बांट दिया जाता है। ठीक है फोर्थ देखिए, द जॉब ऑफ रियलाइजिंग वेरियस एसेट्स एंड पेइंग वेरियस लायबिलिटी इन अ सिस्टमैटिक मैनर इज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड लिक्विडेटर। अब देखिए एसेट्स से पैसा रियलाइज हो जाएगा, कैपिटल कलेक्ट हो जाएगी, वो उसको किस फॉर्म में बांटना है, किसको पहले देना है, वो काम किसके द्वारा किया जाता है, लिक्विडेटर के द्वारा। द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेशन डिपेंड्स अपॉन द मेड ऑफ लिक्विडेशन। जो अपॉइंटमेंट है लिक्विडेशन की वो डिपेंड करती है किस तरीके का लिक्विडेशन आप करवा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि लिक्विडेशन क्या है और लिक्विडेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। लिक्विडेशन एक मतलब कि ये है कि हर कोई भी कंपनी अपनी नेचुरल डेथ नहीं मरती है, उसे उसे उसके ऊपर क्रिएशन ऑफ लॉ लगता है, इसलिए लॉ के टूटने पर उसको लिक्विडेट होना पड़ता है, वाइंड अप होना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है दैट मीन्स वो आगे लिक्विडेट होगी, ऐसा नहीं है। अगर इनसॉल्वेंसी है तो कोई नया बिजनेस उसके ऊपर स्टार्ट किया जा सकता है, पुराने बिजनेस में उसमें कोई भी आपसे डेट क्लियरेंस नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप लिक्विडेट ही कर देते हो प्रॉपर, तो फिर वो जो कंपनी है वो फॉर एवर के लिए क्लोज जाती है, फिर वो दोबारा आप उसे नहीं खुलवा सकते, मतलब दोबारा उसको उसके अंदर काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो कंपनी का नाम है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ने जो रजिस्टर मेंटेन किए होते हैं उसमें से काट दिया जाता है, और अगर उसमें से नाम कट गया दैट मीन्स आपकी जो कंपनी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर रजिस्टर में नाम नहीं है दैट मीन्स आपकी जो कंपनी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमने मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन पढ़ा कि लिक्विडेशन क्या है, ये चैप्टर 4 ही है हमारे जो उसका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जो सिलेबस में है चैप्टर नंबर 4 है। देखिए जो हमारे पास दो बुक हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की 4th सेमेस्टर की, एक आर्य पब्लिकेशन की और एक वीके पब्लिकेशन की। जो आर्य पब्लिकेशन वाली बुक है उसमें चैप्टर को बहुत बड़ा बड़ा के 13, 14, 15 चैप्टर में दे रखा है, जबकि वीके पब्लिकेशन में आपको सारे इकट्ठा करके सिर्फ 5 या 6 चैप्टर बनाए हुए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वीके की जो बुक है वो ज़्यादा बेस्ट है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें जिस बुक से पढ़ना चाहते हैं वो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो साइलेंट फीचर्स पढ़ लिए हमने लिक्विडेशन के साइलेंट फीचर्स क्या हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।